हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई थिंक अच्छे हो गए। ये वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं और ना ही कोई मतलब मैं अपने आसपास कुछ दिखाऊंगा। ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसके बारे में बहुत से मेरे नॉन अननोन बहुत से लोग इस टॉपिक को जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने वो चीज़ छोड़ दी। तो आज उसके बारे में बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था। जो मेरे नॉन हंग को तो पता है कि मतलब मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। जिनको नहीं पता कि मैं एक काम ब्लॉगिंग करने से पहले मैंने एक काम मतलब एक ट्रेनिंग ली थी मर्चेंट नेवी की। वो मेरे पास इंस्टा पे DM आए और दो तीन बंदों ने भी पूछा, मेरे मतलब जो गांव के उन्होंने भी पूछा कि मैंने वो चीज़ क्यों छोड़ दी। मैंने आज तक इसके बारे में किसी के सामने रिवील नहीं किया, ना ही मैंने किसी को बताया। मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली मेम्बर जिन्होंने मेरे सॉरी थोड़ा यहाँ पे बंदर हैं इसलिए अब देखो, जिन्होंने मेरे मतलब फैमिली वाले जिन्होंने मुझे गलत समझा, मुझे ये उन्होंने ये समझा कि मैं छोड़ के आया, जान पूछ के छोड़ के आया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि देखो यहाँ पे बंदर है मेरे आसपास, जहाँ पे अभी मैं रूम लेके रहता हूँ बंदर है यहाँ पे और उनकी लड़ाई हो गई थी अभी। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। उन्होंने मुझे गलत समझा कि मैं छोड़ के आऊँ, जान पूछ के छोड़ के आया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेन रीज़न क्या है, क्यों छोड़ के आया मैं। तो पहली बात ये है कि जब मैं ट्रेनिंग करने गया, वहाँ पे मैं गया था चेन्नई पांडिचेरी में, और वहाँ पे जाने के बाद मैंने 4-5 महीने अच्छे से की। उन्होंने अच्छे से ट्रीट भी किया कॉलेज वालों ने 4-5 महीने। कॉलेज का मैं नाम नहीं बताऊंगा कि क्या नाम था। जिनको ये पता है कि मैं ये ब्लॉग कर रहा हूँ या फिर जो मेरे साथ ट्रेनिंग में थे, जो अभी मेरे मतलब सब्सक्राइबर हैं, उनको पता होगा कि कॉलेज का नाम, ऑफिशियली उनको तो पता ही होगा। तो 4-5 महीने अच्छे से निकले, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर आई थिंक 4 महीने बाद मैं आया घर पे, मेरा पासपोर्ट नहीं बना था, मैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए घर पे आया, मतलब मेरी अप्लाई कर दिया था मैंने वहाँ पे, जो भी पासपोर्ट ऑफिस होता है वहाँ पे गया मैंने, पूरी चीज़ फिल कर दी। फिर मैं 4-5 दिन के बाद मैं गया वापस चेन्नई। चेन्नई जाने के बाद वहाँ पे एक भिवानी का लड़का था, मतलब वो बाहर खड़ा था, तो मैंने देखा कि यार ये तो अपने साइड का बंदा है, हरियाणा राजस्थान बिहार मतलब यूपी बिहार उस साइड का बंदा है, क्या बात है इससे। मैंने उससे बात की कि दोस्त कहाँ से, तो उसने बताया मैं भिवानी से। तो मुलाकात हुई हमारी, बातें हुई, फिर उसने कहा कि तू इस कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहा। मैंने कहा हाँ भाई, क्या हुआ? बोला दोस्त बहुत गलत फंस गया, अगर पूरे पैसे नहीं दिए तो वापिस चला जा, अगर तूने इतने पैसे दिए हैं जो 4 महीने के तेरी ट्रेनिंग है उसमें वसूल हो गए तो तू वापिस ले जा। और वहाँ पे एक बात और कि जब मैंने एडमिशन लिया, मैं अकेला गया था, तो मुझे शौक था उस टाइम पैसे जेब में रखने का। तो जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे जमा कर, बंदर तो उसने कहा कि वापस चले जा। मैंने कहा यार ऐसी क्या बात है? उसने कहा कि मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए ट्रेनिंग लिए, लेकिन अब तक मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया है। यार ऐसे तो नहीं हो सकता है, जो डीजे ऑफिस है वो तो सिर्फ 2 या 3 महीने में वेरीफाई करके भेज देता है,
लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई, अब तक मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया है। उसने कहा कि मेरा अब तक सर्टिफिकेट नहीं आया है। मैंने फिर मतलब उसके बाद पे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैं कॉलेज के अंदर गया। अंदर जाने के बाद मैंने वहाँ पे वेरीफाई किया कि ऐसा कोई बंदा था कि ये झूठ बोला है नहीं। एक्चुअली मैंने वहाँ पे देखा कि 5 साल पहले उसने ट्रेनिंग ली है, जो भी कंप्यूटर था वहाँ पे जाके मैंने चेक किया तो 5 साल पहले उसी बंदे ने ट्रेनिंग ली है। लेकिन फिर मुझे ये भी लगा कि यार ट्रेनिंग ली है, चल ले सकता है ट्रेनिंग, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो क्यों नहीं पहुँच सकता। मैंने फिर जो भी मतलब नॉन थे, मतलब वहाँ पे जो भी जो लिस्ट थी वहाँ से नंबर उठाए और मैंने उनको कॉल किया कि क्या ये बात सच है। तो उन्होंने 90% बंदों ने ये कहा कि हाँ सच है। मैंने 10-12 बंदों को कॉल किया था तो उन्होंने 90% बंदों ने ये कहा कि हाँ ये सच है। जो उनके कॉलेज वालों के नॉन थे, रिलेटिव्स थे, उन्होंने उनको दे दिए, मतलब जो भी सर्टिफिकेट है वो उनको दे दिए, लेकिन जो अननोन थे उनको नहीं दिए। और फिर मैं इस बहाने से मैं और जब मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ पे सिर्फ मैंने 30,000 रुपये जो थे वो सबमिट किए थे, क्योंकि अंदर जाने के लिए कुछ तो सबमिट करना होता, तो मैंने सिर्फ 30,000 रुपये सबमिट किए थे। बस क्योंकि मुझे शौक था पैसे जेब में रखने का, मैंने रखे और सिर्फ 30,000 रुपये में मैंने वहाँ पे 4-5 महीने खाया भी, मतलब मेरे जो 30,000 हैं वो वसूल हो गए। हालाँकि आप सबको लगता होगा कि मैंने एक गलत किया, लेकिन मेरी नज़र में बिल्कुल भी गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी जो समझता है कि मैंने जानबूझ के छोड़ी है या फिर कोई, मैंने आज तक किसी को भी क्लियर नहीं किया कि मैंने क्यों छोड़ी है। जी मैंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, मतलब जो भी पूछते थे उन्होंने ये कहा कि तूने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है छोड़ के उसको, हमें पता है तू भाग के आया है, एक्स वाई जेड ये। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने किया है, मेरी लाइफ है, तुम क्यों, तुम्हारा काम था पैसे देना, मतलब मैं घर वालों को नहीं, जो जिसने मतलब पैसे दिए थे, जिसने दिए थे उससे कहा मैंने कि आपका काम पैसे देना था, आगे आपका काम नहीं है। आपने ये कहा था कि मैं यहाँ तक के वो करूँगा, आपने पैसे दिए, पैसे मेरे पास हैं, मेरे से पैसे भी लेने चाहे, मैं जब इतनी बड़ी बात कह दिए तो मैं क्यों दूँ पैसे, आज भी मेरे पास हैं या फिर वो खर्च हो गए ये मैं किसी को नहीं बता रहा। ओ या फिर मैंने उस उन पैसों से कुछ जो मेरा सपना है, जो मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, जो हो चुका है, वो मैंने स्टार्टअप कर दिया उन पैसों से। मैं इस चीज़ का क्ल्यू अभी नहीं दूंगा, टाइम आने पर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ दिखाऊंगा। मैंने ये वीडियो भी इसलिए नहीं बनाई कि मेरे फैमिली मेम्बर को नहीं पता, उनको बताना, नहीं, जो मेरे मतलब चाहे थोड़े सब्सक्राइबर हो, जो थोड़ी फैमिली हो, लेकिन उनको ये बात बतानी थी। उन्होंने पूछा, 2-3 मैसेज आए, उन्होंने पूछा, मैंने कहा कि एक वीडियो बनाऊंगा मैं पूरी डिटेल में और वो आपको देख लेना कि मैंने क्या किया क्या नहीं। एक्चुअली मैं मर्चेंट नेवी को गलत नहीं बता रहा, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी है, मैं उसको गलत नहीं बता रहा, और आप कर सकते हो, पैसे भी बहुत है, लेकिन 9-9 महीने आउट ऑफ होम, घर से बाहर, समुंदर में कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। एक उन्होंने जितना मुझे पता, उन्होंने खुद ये बताया था कि 1 घंटे सैटेलाइट के थ्रू नेट मिलता है, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं हम, बस वो बताया था। और मुझे पता नहीं है हालांकि कि क्या है, पैसे भी अच्छे हैं इस नौकरी में, और कैप्टन बनने के बाद तो बहुत पैसे हैं और मौज भी पूरी है। बस यही था मेरा मर्चेंट नेवी का सफ़र, इसलिए मैंने वो छोड़ दी या फिर ड्रॉप आउट कर दी, मुझे नहीं पता, आपको जो समझना है समझ लो। और कल एक वीडियो और आ रही है कि बहुत से मतलब मैसेज भी आ रहे हैं इंस्टा पे कि, और मेरे फैमिली वाले भी पूछ रहे हैं, जिनको मतलब मेरे व्लॉग का इंतज़ार रहता था कि मैं व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रहा, तो उनके लिए भी कल एक वीडियो आ रही है। फिर उस वीडियो के बाद रेगुलर व्लॉग आएंगे,
रेगुलर नहीं तो 2 दिन में एक ब्लॉग जरूर आएगा। देखा जाएगा अब क्या होगा क्या नहीं, देखते हैं। अब मुझे रेगुलर रहना है यूट्यूब के ऊपर, बस इतना ही बताना था। और इस ब्लॉग की मतलब इस वीडियो की सॉरी ब्लॉग नहीं इस वीडियो की एंडिंग नहीं होगी जैसे ब्लॉग के साथ होती है कि आप लाइक कमेंट शेयर करो, नहीं इसकी कोई एंडिंग नहीं है। बस आप अपना ख्याल रखें, एक और वायरस आ रहा उससे अपने आप को बचा के रखें, नहीं बताना था और